स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के भोजपुर के पिरो थाना क्षेत्र में वाहन की चपेट में आने से चार की मौत। भोजपुर जिले के पिरो थाना क्षेत्र के देवचंदा गांव के पास मॉर्निंग वॉक कर रही चार महिलाओं की मौत एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से हो गई। बताया जाता है कि पिरो थाना क्षेत्र के आज बलिया गांव निवासी मोतीचरा देवी 52 वर्ष, सरस्वती देवी 51 वर्ष, उर्मिला देवी 50 वर्ष, मालती देवी 40 वर्ष प्रतिदिन की तरह जगदीशपुर पीरों पथ पर मॉर्निंग वॉक कर रही थी। जैसे ही देवचंदा पुल के पास पहुंची तो विपरीत दिशा से आ रही एक अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी की चपेट में आ गई, जिससे घटनास्थल पर ही चारों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पिरो थाना पुलिस ने शव को जब्त कर लिया। सूचना पर पहले से ही मौजूद पूर्व विधायक भाई दिनेश मृतक के परिजनों से मिले और सांत्वना दी। साथ ही जिला प्रशासन से मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। भोजपुर जिला ब्यूरो विजय शंकर ओझा की रिपोर्ट। विधायक जी, घटना के बारे में बताइए। देखिए, सुबह ही मुझे जानकारी मिला कि ओझोलिया गांव के चार महिला जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, उनको अज्ञात वाहन ने रौंदकर भाग गया, जिस पर चारों महिला का स्पॉट पर मौत हो गया। यह घटना बहुत ही दुखद है और इस घटना के प्रति मैं सुबह ही गहरा दुख प्रकट किए। जिलाधिकारी भोजपुर और पीरो SDO को हमने कहा कि तत्काल वहां पर पदाधिकारी आप जाएं, उस पीड़ित परिवार से मिलें, उन्हें सांत्वना दें और जो भी अभी सरकार का जो प्रावधान है उनको 5-5 लाख रुपया का तत्काल मुआवजा दें, 20,000 पारिवारिक लाभ के तहत दें, 3,000 कबीर अंत्येष्टि के तहत दें और जो वाहन भाग गया उसको तत्काल CCTV कैमरा से जैसे भी उनको पकड़े, उन पर कठोर कार्रवाई हो। आपका परिचय? भाई दिनेश, पूर्व विधायक जगदीशपुर भोजपुर।